दोस्तों ये गाड़ी है यामा की FZS और इसमें काफ़ी वाइट स्मोक है और इंजन इसका काफ़ी आवाज़ कर रहा है स्टार्ट करने के बाद। तो इसका अब आज हम हाफ इंजन बनाएंगे और इसमें क्या प्रॉब्लम है वो हम आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें काफ़ी सफ़ेद धुआं छोड़ रही गाड़ी और इसके लिए हमें इसका इंजन खोलना पड़ेगा। सबसे पहले हम इंजन ऑयल खोल के इसकी शुरुआत करते हैं कि इसमें इंजन ऑयल कितना बचा हुआ है। तो दोस्तों इसका इंजन ऑयल हमने खोल लिया है और साथ ही इसका कार्बेटर हम खोलेंगे, खोल लिया है हमने। और इसके बाद हमने टेबिट कवर भी खोल लेना है और ये चार बोल्ट खोलने हैं हाफ इंजन उतारने के लिए। और इसका चेन टेंशनर और इसके बाद साइलेंसर हटा लेना है। तो इस चेन टेंशनर को हम पहले खोल लेते हैं और साथ ही इसकी टाइमिंग चेन की करारी को भी खोलेंगे और उसके बाद आगे आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इतना खोलने के बाद हेड निकल चुका है इसका बाहर और इसके हेड की कंडीशन बड़ी बुरी हो रही है। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें कितना सारा कार्बन जमा पड़ा है और यही कार्बन पिस्टन के ऊपर भी जमा पड़ा है। पिस्टन में पहले तो लग नहीं रही है लेकिन रिंग इसके कटे होंगे और चैन गाइड भी एक ही लगी है और एक चैन गाइड इसकी गायब है। तो इस चैन को हम डोरी से बांध के टांग लेते हैं। उसके बाद इसके ब्लॉक को भी हमने उतार लेना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें जो आवाज़ आ रही थी वो टाइमिंग चैन की सबसे ज़्यादा थी। इसकी टाइमिंग चैन की गाइड एक गाइड तो लगी हुई है लेकिन एक गाइड इसमें है ही नहीं। दोस्तों ये जो हेड आपको दिख रहा है इसमें हम डालेंगे नए वाल्व और ब्लॉक को हम बोर कराएंगे, पिस्टन दूसरा डालेंगे और उसके बाद हम चलते हैं क्लच साइड पे, क्लच कवर को खोल लेते हैं। तो दोस्तों अब मैं दिखाता हूँ आपको इसके ऑयल पंप की जाली को और इंजन बैठने का मेन कारण भी यही है। ये जाली बिल्कुल चौक है इसकी, जो कि इसमें पहले भी क्लच प्लेटें डाली गई हैं तो उस मैकेनिक ने भी देखा नहीं, जो कि इस जाली को पहले ही साफ कर लेना चाहिए था। और यही जाली ऑयल पंप को ऑयल देती है, उसके बाद ऑयल पंप पूरे इंजन को ऑयल देता है, इसलिए जाली को क्लीन होना ज़रूरी है। और इस साइड में जो आप देख पा रहे हैं ये टाइमिंग चेन की दूसरी गाइड है, ये टूट के बिल्कुल आधी से भी कम हो चुकी है, एक टुकड़ा ही इसमें बचा हुआ है और एक ही गाइड पर चल रही थी और पूरा कचड़ा ही कचड़ा इंजन में, क्योंकि इंजन ऑयल इसमें ऊपर तक चढ़ा नहीं और इसी वजह से कचरा ज़्यादा जमा हो चुका है। और ये टेंशनर इसका सही कंडीशन में लग रहा है, इसको हम इसी पुराने को ही लगाएंगे। दोस्तों ये गाड़ी का हेड है और इस हेड को हम रिपेयर करेंगे। इसमें हम नए वाल्व डालेंगे, वाल्व सेट डालेंगे और ये पिस्टन आपको दिख रहा होगा इसको भी हम बोर करेंगे। और इसमें जो मेन प्रॉब्लम थी वो इसकी ऑयल रिंगें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, इसमें शायद यही कारण रहा होगा कि इंजन ऑयल ऊपर तक चढ़ा नहीं। तो इसकी आप देख रहे होंगे इस रिंग को, तो किनारे इसमें बहुत कम बची हुई हैं, तो काफ़ी रिंग कट गई है। और अब हम आगे आपको दिखाते हैं इस हेड को पूरा कंप्लीट करने के बाद, वाल्व इसमें बिठाने के बाद, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर मैं इस हेड की पूरी वीडियो अगर इसमें डालूँ तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए मैं शॉर्टकट में बताता हूँ। हमें एक ड्रिल मशीन की ज़रूरत पड़ेगी और एक पेट्रोल पाइप की पड़ेगी, जिससे कि हम अपने वाल्व को रोक सकें और वाल्व ग्राइंड करेंगे इससे हम। तो दोस्तों ये वाल्व ग्राइंड करने के लिए पेस्ट है और
इसको हम फाइन क्वालिटी का लगाएंगे क्योंकि हमारा हेड ज़्यादा कटा हुआ नहीं है, इसलिए हम इसको महीन पेस्ट को हम यूज करेंगे इसमें। तो कुछ इस तरह से हमने वाल्व ग्राइंड करना है और इसमें हम महीन वाला पेस्ट हम यूज़ करेंगे। तो इसको मैं एक वाल्व को ग्राइंड करके आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो। और उसके बाद उसी तरह से ठीक आपने दूसरा भी वाल्व ग्राइंड करना है जैसे आप इस वाल्व को देखेंगे। और अब हमने पेस्ट लगा के वाल्व बिठाना है, उसके बाद हम थोड़ा सा स्प्रे इसमें मारेंगे और हो सके तो इसकी जगह आप डीजल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको पेट्रोल पाइप को वाल्व पे लगाएंगे और ड्रिल मशीन से इसको लेफ्ट राइट घुमाएंगे, थोड़ा लेफ्ट थोड़ा राइट। उसके बाद इस वाल्व की लीकेज बिल्कुल बंद हो जाएगी और ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाएगा। उसके बाद हम इसको टोटली क्लीन करके फिर हम इसको लगाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों दोनों वाल्व को हम ग्राइंड करने के बाद हम इसमें ऑयल सील लगाएंगे वाल्व की और उसके बाद हम इसमें लॉक बिठा देंगे। तो ये काम को हम कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको आगे दिखाता हूँ। दोस्तों ये ब्लॉक बोर होके आ चुका है और हम इसमें पेस्ट लगाएंगे। और उससे पहले हम इसमें रिंग पूरी फिट कर लेते हैं पिस्टन में। तो हमने इसमें रिंग बिठा ली है और उसके बाद पेस्टिंग कर रहे हैं, उसके बाद हम इसको आगे फिट करते हैं। तो दोस्तों पिस्टन पर रिंग अच्छे तरह से हमने बिठा लिए हैं और इसके बाद हम एक तरफ का गजन पिन का लॉक बिठा देंगे। उसके बाद हम क्रैंक पर बिठाने के लिए हम दूसरी तरफ का लॉक बाद में लगाएंगे। तो कुछ इस तरह से हमने इसको बिठाना है। गजन पिन को आप जब बिठाएंगे तो उसके बाद हमने इसमें कपड़ा लगाना है। तो दोस्तों ये कपड़ा लगाने के बाद हमने इसका दूसरी तरफ पे लॉक बिठाना है ताकि अगर किसी कारण से हमारा लॉक हाथ से छटकता है कुछ होता है तो ये इंजन में ना घुसे और कोई आगे को ज़्यादा दिक्कत ना करे। अगर हमारा कपड़ा लगा रहेगा तो ये लॉक ऊपर ही रुक जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने ब्लॉक बिठा लिया है और अब हेड बिठाने से पहले इसमें दो डावल फिर से हम लगाएंगे, दो इसके नीचे लगाई थी हमने। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी चेन की गाइडें। तो दोस्तों ये काली वाली गाइड तो इसमें लगी हुई थी लेकिन जो ये ब्राउन कलर की गाइड आपको दिख रही है तो इस गाइड का अता पता कुछ नहीं था। तो हम दोनों गाइडें इसकी ओरिजिनल नहीं डालेंगे इसमें। तो इसकी दोनों चैन गाइडें बिठाने के बाद हम इसमें हेड गैस्केट लगाएंगे और गैस्केट लगाने के बाद हम इसमें हेड फिट करेंगे। दोस्तों एक बात का ध्यान जरूर रखना है, अगर आप चेसिस पे इंजन को फिट कर रहे हैं तो हेड फिट करने से पहले इसमें दो बोल्ट जरूर डाल लें ताकि ऊपर चेसिस पे टकराए ना फिटिंग करते वक्त। तो कुछ इस तरह से ये हेड फिट हो जाता है और इसके बाद हम इसकी चारों बोल्टों को फिटिंग कर लेते हैं। उसके बाद दो बोल्ट अंदर की तरफ होते हैं, इनको भी हम टाइट करेंगे। तो दोस्तों अब बारी आती टाइमिंग चेन डालने की। तो ये रोलन की टाइमिंग चेन है ओरिजिनल और इसको हम डालेंगे। अब ये चेन डालने से पहले हमने पत्ती को हटा लेना है क्योंकि टाइमिंग चेन की सपोर्ट करती है नीचे से। तो इस पत्ती को हम निकाल लेंगे, उसके बाद हम टाइमिंग चेन को डालेंगे। टाइमिंग चेन को डालने के लिए हम इस टाइमिंग चेन पर एक डोरी को बांध लेते हैं,
हम इस टाइमिंग चेन को ऊपर से नीचे को डालेंगे। और उसके बाद टाइमिंग चेन को फिट करने के बाद डिकम्प्रेसर वगैरह लगाने के बाद इसका तो टाइमिंग का हिस्सा हम कंप्लीट करके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद ये वाशर बिठाना है, फिर ये मैग्नेट का बैरिंग बिठाना है, उसके बाद हम सेल्फ का रिंग बिठाएंगे जिसको ग्रारी भी हम कहते हैं। तो उसके बाद हमने मैग्नेट कुछ इस तरह से बिठाना है और मैग्नेट फिट करने के बाद इसको हम नट लगा के टाइट कर देंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इतना करने के बाद हम इसे पेस्टिंग कर लेंगे, थोड़ी बाउंडर लगा लेंगे, उसके बाद हम इसमें पैकिंग लगाएंगे, उसके बाद हम ये मैग्नेट का कवर बिठा देंगे। तो अब हम मैग्नेट साइड के सारे बोल्ट डाल के इनको टाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस टाइमिंग करारे के बोल्ट को हम टाइट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी टाइमिंग कैसी होती है, कहाँ आपको इसकी टाइमिंग मिलानी है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पिस्टन टॉप पे रखना पड़ेगा और ये एरो जो बना हुआ है ये ऊपर के एरो आमने सामने होने चाहिए बिल्कुल एक सीध में, तो ये इसकी टाइमिंग है। और अब मैं आपको मैग्नेट पे ले जाता हूँ, तो इसके अंदर जैसा कि आपको दिख नहीं पा रहा होगा लेकिन दोस्तों इसको हमने मिलाना है और टी पे रख देना है। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। तो नीचे का टाइमिंग दिख नहीं पा रहा है इसलिए नीचे आपने टी पे रखना है और ऊपर आपने टॉप मिला देना है यहाँ पे कुछ इस तरह से, और आपकी टाइमिंग परफेक्ट हो जाती है। और अब हमने लगाना है इसका टाइमिंग का टेंशनर। टेंशनर लगाने से पहले हम इसके रबड़ निकाल लेंगे और इस रबड़ के अंदर आपको एक पेच सा मिलेगा, इसको हम पेचकस से टेंशनर को पूरा पीछे कर लेते हैं। उसके बाद हम फिटिंग करने के बाद इसको छोड़ेंगे ताकि पूरी चेन को टाइट कर दे। कुछ इस तरह से आप इसको फिट करेंगे, पिचकस को पूरा टाइट करने के बाद आप फिट करना है इसमें, उसके बाद दोनों इसके बोल्टों को हमने लगा देना है। उसके बाद कुछ इस तरह से पिचकस को बाहर निकाल लेना है, फिर हम दोबारा से इसके रबड़ को लगा देंगे और ये कंप्लीट हो चुका है। तो और अब इसके बाद हमने इसका टैबिट का गैप मिलाना है, तो इस गैप को भी मिलाएंगे। तो दोस्तों ये इंजन का काम हमने करने के बाद हम इसमें कार्बेटर वगैरह लगाएंगे, और उससे पहले हम अभी हमारा क्लच का साइड का कवर खुला हुआ है अभी हम उसको लगाएंगे। तो क्लच के कवर को भी लगाने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इंजन का काम इसके बाद फाइनल हो जाएगा और इसके बाद हम इसमें ऑयल फिल्टर लगा करके इसमें इंजन ऑयल डालेंगे, उसके बाद मैं आपको इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर रोज़ नई नई टू व्हीलर और फोर व्हीलर की वीडियो आएंगी, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें साउंड भी बिल्कुल नहीं है, साउंड इसका बहुत अच्छा हो चुका है और उसमें धुआं भी नहीं है और धुआं भी इसका गायब हो चुका है, तो सारा प्रॉब्लम इसका सॉल्व हो चुका है। दोस्तों आप अपने चैनल रानी के धूम गैराज को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें
और साथ ही बेल का आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल पर जो भी नई वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।